गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। इससे पहले हमने पढ़ा था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जो कि टाइप था स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो था हमारा दो तरह का था, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज एंड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या था, उसकी डिफिनेशन मैंने सब कुछ बता दिया है। उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता था, जिसमें हमने तीन तरह का पढ़ा था। एक था हमारा इक्लिप्स, स्टेगर्ड एंड स्क्यू कन्फर्मेशन। तीन तरह में हमने पढ़ा था जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में रोटेशन होता था। तो अब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जैसे रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होगा, कोई बॉन्ड हमारा रोटेट नहीं करेगा। अब ये कौन कौन किस किस कंडीशन में नहीं रोटेट करेगा, जैसे कि अगर कोई हमारा डबल बॉन्ड हो वहाँ पर रोटेट नहीं करेगा, और कोई हमारा साइक्लिक हो तब रोटेट नहीं करेगा। तो इसको हम पढ़ते हैं पूरा डिटेल्स में, शुरू करते हैं हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म से। तो शुरू करते हैं इसकी डिफिनीशन से। तो डिफिनीशन मैंने यहाँ लिख दी है, इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार, देख लीजिए। दोज स्टीरियो आइसोमर विच आर ऑब्टेन ड्यू टू दी रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन आर नोन एज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज। वह स्टीरियो आइसोमर जिसमें रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन हो उसे कहेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, और इस फिनोमेना को कहेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज। तो रोटेशन मैंने अभी बताया था किसके किसके बीच होगा, लेकिन हम जब इसमें टाइप पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा कि कब कहाँ पर कौन सा रोटेशन होना है। तो पहले कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज ये हो जाएगा, इसकी डिफिनीशन ये हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज। ये हमारा दो तरह का होता है, यहाँ पर हमने दो रोमन नंबर लिख लिया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये ज्योमेट्रिकल और दूसरा लिख लेंगे आप यहाँ पर ऑप्टिकल। तो पहले हम ज्योमेट्रिकल को इस वीडियो में देखेंगे, ऑप्टिकल को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी ज्योमेट्रिकल देखेंगे, ज्योमेट्रिकल में भी टाइप आएगा उसको देखेंगे, फिर उसमें एक और चीज़ देखेंगे, उसमें हमारी ये वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। तो अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म इन विच देयर इज रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। तो अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में क्या है, यहाँ पर इसकी जो मैं अभी डिफिनीशन बताया उसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वह कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर जिसमें रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन हो किसके द्वारा, डबल बॉन्ड के या फिर कोई हमारी साइक्लिक से, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन हो यानी कि बॉन्ड हमारा रोटेट ना हो, तो उसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। जैसे कि अब हम इसमें एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर कुछ भी लगाओ। अब ये कार्बन कार्बन के बीच में, ये कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता था तो हमारा रोटेट करता था, लेकिन अब यहाँ पर जब डबल बॉन्ड है ना, तो ये कार्बन इस तरह से रोटेट नहीं करेगा। अगर मॉलिक्यूल पूरा घुमाएंगे तो घूमेगा, लेकिन ये कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड के बीच में रोटेशन नहीं होगा। तो यही है इसकी डिफिनेशन में, एक तो एग्जाम्पल में ये हो सकता है, और ये साइकिल स्ट्रक्चर है लेकिन अब इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड है लेकिन ये साइकिल, तो ये बॉन्ड भी घूम नहीं पाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो रोटेशन में नहीं आएगा। तो ये हमारा दो तरह से हो सकता है, डबल बॉन्ड या फिर कोई साइक्लिक हो, ये मैंने ऐसे बताया। अब जब हम इसके टाइप के पढ़ेंगे, इसको अभी हम आगे डिटेल्स में काफ़ी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले टाइप्स इसका, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। तो आप यहाँ पर बढ़ा लें, यहाँ पर कर लें टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। तो अब इसके टाइप में कितने तरह का होगा, अब यहाँ पर भी दो तरह का ये होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। अब मैं इस्माल ए लिखूँगा यहाँ पर सिस, इस्माल भी दूसरा क्या होता है ट्रांस। पहला टाइप होता है ज्योमेट्रिकल का सिस, दूसरा होता है ट्रांस।
अब देखते हैं सबसे पहले हम सिस। सिस की डिफिनेशन देख लीजिए आप। दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन विच टू सेम टाइप ऑफ एटम और ग्रुप आर सिचुएटेड ऑन दी सेम साइड ऑफ द बॉन्ड अबाउट विच रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन इज नोन एज सिस आइसोमर। तो इसमें क्या कह रहा है, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन जिस जिस बॉन्ड से हो रहा है, अगर उसके सेम साइड में सेम ग्रुप हो, सेम एटम या ग्रुप हो, तो उसे हम कहेंगे सिस। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लें, ये हमारा रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन इसी से है। तो इससे लगा हुआ अगर हमारा कोई ग्रुप यहाँ पर ए है, यहाँ पर कोई ए है, यहाँ पर बी ले लीजिए, यहाँ पर सी ले लीजिए, तो जो हमारा इससे रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन हो रहा है, यहाँ इस बॉन्ड के अराउंड ये रोटेट नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ से ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये रुका हुआ है, इससे रोटेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस बॉन्ड के अराउंड हम देखेंगे कि ये दो ए, अभी ये कोई एटम या ग्रुप कुछ कुछ भी हो सकता है, ये दोनों अगर सेम साइड है, दोनों ऊपर की साइड है, तो इसे हम कहेंगे सिस। और ट्रांस में क्या है, ट्रांस में इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ट्रांस में इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन विच टू सेम टाइप ऑफ एटम और ग्रुप सिचुएटेड ऑन दी सेम साइड था, इसमें अपोजिट साइड हो जाएगा ऑफ द बॉन्ड विच रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन इज नोन एज ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस वाले का एग्जांपल भी मैं आपको एक दिखा दूं, ये जनरल मैं एग्जांपल अभी लिख रहा हूं, अभी इसके एग्जांपल में जाएंगे आप। तो ये ए यहां पर, ए यहां पर, बी यहां पर, सी यहां पर। तो ए जो है वो दोनों ही इस बॉन्ड के, जो हमारा ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसके ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। ये तो हमारा जनरल एग्जाम्पल। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं सिस और ट्रांस के। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं सिस के, तो चलिए उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कैसे है सिस, ये रहा हमारा सी डबल बॉन्ड सी, इधर दोनों, इधर भी एच है, इधर भी एच, इधर भी सी एच थ्री, इधर भी सी एच थ्री। अब चाहे तो आप एच से देखें, चाहे तो सी एच थ्री से देखें, दोनों सेम साइड, इधर देखिए ऊपर दोनों सेम साइड सी एच थ्री, इधर दोनों सेम साइड एच, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सिस। अब बात करें हम दूसरे की, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा देखते हैं सी डबल बॉन्ड सी, इधर सी एच थ्री और ऊपर है सी एच टू सी एच थ्री और नीचे एच एच, तो अब ये क्या है, देखिए ऊपर से इधर, अगर आप सी एच थ्री से देखते थे दोनों तभी सिस था, एच से देखते थे तभी सिस था, लेकिन अगर आप सी एच थ्री और सी एच टू, तो इसमें ये दोनों डिफरेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर एच और एच दोनों सेम साइड है, तो इससे ये वाला हो जाएगा सिस, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एच और ये वाला एच दोनों सेम साइड है, दोनों नीचे की साइड है, तो दोनों हो जाएगा हमारा, दोनों सेम साइड पर हो जाएगा हमारा ये सिस। अब हम देखते हैं तीसरा वाला। तो अब तीसरे वाले पर क्या है, इधर ब्रोमीन क्लोरीन एच एच, ये दोनों एच जो है वो सेम साइड पर है, और इधर आप चाहे कुछ भी करते, इधर ये सी एच थ्री था, इधर था, अब ये दोनों एच को देखते तभी सा, हर तरह से ये था, तो अब ये दोनों एच सेम साइड है, तो ये हो जाएगा हमारा सिस। हाँ, अब आपने ऐसे तो देख लिया इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से करके, अब ऐसे भी हो सकता है कि ये दोनों एच इधर इस सेम साइड में, इस सेम साइड में, इस साइड इस तरह से हो, देखिए ये एच और ये वाला एच, ये दोनों इधर हो फिर भी ये सेम साइड है, तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा सिस। चलिए ये हो गया हमारा चार एग्जांपल। अब हम देखते हैं पांचवा, पांचवा क्या है हमारा, इधर फ्लोरीन क्लोरीन 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 और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिससे हमारा ये रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि बॉन्ड रोटेट नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको ऐसे देखें अगर बीच से, तो इधर दोनों भी नीचे सी एल सेम है, इधर देखेंगे फिर भी सेम है, तो ये हर तरह से आपको क्या दिख रहा है, ये वाला सिस, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सिस, पांचवा हो गया। अब छठा क्या दिख रहा है आपको, छठे में क्या है, छठा बस यही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें इस तरह से दिखाया गया, इसमें आपको यहाँ पर सी एच थ्री विजिबल नहीं किया गया और यहाँ पर दोनों एच को नहीं दिखाया गया, और ये बाकी है पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सिस। मान लीजिए अगर यहाँ पर दोनों सी एच थ्री है, यहाँ पर भी सी एच थ्री लगा दें आप, तो दोनों सेम साइड है, ये वाला हो जाएगा हमारा सिस। हाँ, यहाँ तक था, हमने देख लिया डबल बॉन्ड के में रिस्ट्रिक्शन रोटेशन। अब डिफिनेशन में हमारा डबल बॉन्ड और साइक्लिक दोनों था, तो डबल बॉन्ड हमने देख लिया। अब देखते हैं कुछ साइकिल वाले एग्जांपल। तो ये है हमारी साइकिल,
सर्कल वाला, ये हमारी साइकिल, और इससे लगा हुआ है सी एच थ्री ऊपर, एच नीचे, इससे लगा हुआ है सी एच थ्री ऊपर और ये एच नीचे। अब इसके बीच में रिस्ट्रिक्शन है, रोटेशन कौन कर रहा है, ये वाला बाण जो है वो रोटेट नहीं होने दे रहा है, इन दोनों को ऊपर नीचे नहीं आने जा दे रहा है, ये सी एच थ्री नीचे नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये सी एच थ्री वाला ऊपर है और ये सी एच थ्री ऊपर है और रिस्ट्रिक्शन हो रहा है इस बाण की वजह से, सिंगल बाण की वजह से। यहाँ पर साइकिल है, सिंगल बाण है तब रिस्ट्रिक्टेड है, तो दोनों सी एच थ्री सेम साइड है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सिर। अगर आपने डिफिनीशन पढ़ी होगा ना, सेम एटम और ग्रुप सेम साइड, जो बाण हमारा रिस्ट्रिक्टेड है उससे सेम साइड पर होगा, तो वो वाला होगा हमारा सिर। तो अब इसमें देखिए, इसमें सेम कैसे पता चलेगा, ये आपका जो ये फाइव मेंबर रिंग है ये एक प्लेन पर है, मान लीजिए ये एक प्लेन है, ये हमारी फाइव मेंबर रिंग, और ये दोनों जो सी एल है वो दोनों ऊपर की साइड है, ये है और ये वाला सी एल ऊपर की साइड और ये वाला सी एल ऊपर की साइड, तो दोनों ऊपर की साइड हैं, तो दोनों सेम साइड हैं, यानी कि दोनों ऊपर है दोनों सेम साइड है, तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा सिस। हाँ, अब नौवां क्वेश्चन देखिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ तो रही गई, ये आर वन इधर है आर टू, तो इसी से हमारी डिसाइड होगी हमारा सिस है कि ट्रांस है। तो बाकी इतना तो ये सब प्लेन पर है, इससे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, बस ये R1 और ये R2 जो है दोनों वो एक प्लेन पर है और वो दोनों ऊपर की साइड है, दोनों R जो है R1, ये R1, ये R2 दोनों ऊपर की साइड है, यानी कि दोनों सेम साइड है, तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा सिस। अब ये हमारा एक और क्वेश्चन है, ये भी एक प्लेन पर है, ये दोनों ऊपर की साइड है, तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा सिस। तो सिस के हमने देख लिए, 10 एग्जाम्पल देख लिए। अब बात करते हैं ट्रांस की, इन्हीं एग्जाम्पल में अगर आप ट्रांस बनाएं, अब यहाँ पर कामा लगा दूँ, सी डबल बॉन्ड सी, ये सी एच थ्री इधर, ये सी एच थ्री और ये एच को मैं इधर रहने दूँ, ये दोनों को मैं चेंज कर दूँ, इधर एच कर दूँ इधर सी एच थ्री। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये रोटेट घूम कर रोटेट होकर आया, बस मैं इसको सेट कर रहा हूँ, मैं इसको उठा कर यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। अभी देखिए, ये जो दोनों एटम हमारे सेम साइड के हैं, ये वाले और ये वाले जो हैं सी एच थ्री, दोनों सेम एटम या ग्रुप है, जो भी ग्रुप कह लिया, अगर मिथाइल है, ये मिथाइल दोनों सेम है और दोनों अपोजिट है, ये जो जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इससे रिस्ट्रिक्टेड है, ये दोनों इसके अपोजिट साइड है, ठीक है। तो ये वाला जब अपोजिट है तो ये वाला हो जाएगा अब ट्रांस। अब इस एच को भी देखेंगे तो ये भी अपोजिट है, ठीक है। अब बात करें दूसरे वाले की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, अगर आप इधर सी एच थ्री इधर को ऐसे रहने दें, इस एच को ऐसे रहने दें, अभी इस एच को हम इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, ये इधर सी एच टू सी एच थ्री, तो ये वाला एच और ये वाला एच दोनों अपोजिट साइड में चले गए, तो ये वाला हो जाएगा हमारा ट्रांस। इसी तरह से हमारा ये तीसरा भी हो जाएगा, तीसरा कैसा हो जाएगा, ये सी डबल बॉन्ड सी और ये एच, एक एच इधर, इधर बी आर है, ये भी एक साइड को हम सेम रखें, बाकी इन दोनों को एक्सचेंज कर दें, तो हमारा सिस वाला ट्रांस हो जाएगा, ये सी एल को हम ऊपर लिख दें और एच को नीचे। तो देखें अब, ये एच सेम है, ये वाला एच सेम है, जिससे हमारा सिस और ट्रांस डिसाइड होगा, तो ये दोनों अपोजिट साइड में आ गए हैं, अब तो ये वाला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस। अब इसको भी अगर आप करना चाहें, इसे ऐसे ही तो हो जाएगा हमारा। अब ये दोनों एच इधर सेम साइड हैं, तो एक एच ये सी सिक्स एच फाइव और एक एच मैं इधर कर दूं और इधर सी एच थ्री कर दूं, तो अब ये वाला एच और ये वाला एच जो है वो दोनों अपोजिट साइड में चले जाएंगे, तो ये वाला हो जाएगा हमारा ट्रांस। तो कहने का मतलब, अगर हमारा कोई भी एटम या ग्रुप जो बांड से रिस्ट्रिक्टेड है उससे सेम साइड है तो सिस, अगर अपोजिट साइड है तो ट्रांस। मैंने इसको इतना कर दिया है, आप इतना भी और कर सकते हैं, जैसे कि चलिए मैं कर देता हूँ, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये हर तरह से सीस होगा, अगर आप इधर कहीं भी करेंगे ये सीस ही होगा। इसका आप ट्रांस करना चाहेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, इसमें दोनों एक सी एच थ्री को आप इधर धड़ा कर नीचे बना देंगे,
मैं इसको रोटेट नहीं करा रहा हूँ, बस मैं इसको बना रहा हूँ, ये इसका दूसरा फॉर्म बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसको अभी आप बना सकते हैं। यदि कि हमारी ये कोई थर्ड मेंबर रिंग है और यहाँ पर हमें कोई ग्रुप लगाना हुआ, हमने लगाया यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर एच, और एच यहाँ पर, और ये सी एच थ्री यहाँ पर, तो ये सी एच थ्री और ये सी एच थ्री दोनों आपस में अपोजिट हो गए ना। यहाँ देखिए दोनों ऊपर थे तो दोनों सेम साइड से ये किस, अब ये दोनों अपोजिट साइड में, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। वैसे ही इसको अगर हम बनाएं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले फाइव मेंबर रिंग है, फाइव मेंबर रिंग हम बना लें, ये दोनों अबव द प्लेन है, तो एक को हम अगर अबव कर दें और दूसरे को बिलो कर दें, सी एल सी एल, तो ये वाला हो जाएगा हमारा एक प्लेन पे, हमारा साइक्लोपेंटेन ये वाली रिंग है, साइक्लोपेंटेन वाली एक प्लेन पे है, और एक ऊपर हमारा सी एल इधर है, और ये के सी एल नीचे पीछे की साइड है, ये ऊपर और ये वाला नीचे है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा ट्रांस। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, इसका आप ट्रांस बनाना बनाएंगे, इधर यानी एच, इधर यानी एच, एक को अबव कर दें एक को बिलो कर दें, तो ये वाला हो जाएगा हमारा ट्रांस। उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं, दोनों अबव द प्लेन है, एक को अबव करें एक को बिलो करें, तो वो वाला भी हो जाएगा ट्रांस का एग्जांपल। तो ये हो गए हमारे सिस ट्रांस के कुछ एग्जांपल। तो अब इस एग्जांपल को आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दो ग्रुप यहाँ पर सेम होने चाहिए, तब जाकर इसमें हम सिस और ट्रांस का कंडीशन, सिस और ट्रांस का बता सकते हैं, इसमें सिस है कि ट्रांस है। कम से कम दो तीन भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ देखिए ये क्लोरीन 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 तीन एटम जो मैंने यहाँ पर सेम रखे हैं, तब भी इससे पता चल रहा है कि ये सिस है। लेकिन कम से कम इसमें दो दो एटम या ग्रुप ऐसे होने चाहिए जो कि सेम साइड या अपोजिट साइड हों, तो उससे पता चलेगा कि आपको ये सिस है कि ट्रांस है। अब जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जब इसमें दो सेम ग्रुप हैं, ये हाइड्रोजन दो हुए, तो दोनों अगर सेम साइड हैं तो सिस, अगर ये हाइड्रोजन दोनों सेम हैं लेकिन दोनों अपोजिट साइड हैं, तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ट्रांस। अब लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ वो आप देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अब इसमें आप बताएंगे कि यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन, इस कार्बन के पास, दोनों कार्बन के पास चारों अलग अलग आ गए हैं एटम, या फिर कह सकते हैं ग्रुप जो भी, तो फिर ये हमारा अब क्या है, सिस है कि ट्रांस है। तो इसमें हम सिस ट्रांस नहीं कर सकते, तो इसको दूर करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए आया हमारे पास इजेड नॉमेनक्लेचर। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा इजेड नॉमेनक्लेचर। तो सिस ट्रांस करने के लिए सबसे पहले उसमें कंडीशन क्या आएगी, हमारे पास एटलीस्ट दो एटम या फिर कोई ग्रुप हो वो सेम होना चाहिए, तब उसमें सिस ट्रांस हम बता सकते हैं। अगर सेम साइड होगा तो सिस होगा, अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस होगा। तो चलिए अब करते हैं इजेड नॉमन, अब देख लेते हैं इजेड नॉमन क्लेचर। इजेड नॉमन क्लेचर करने के लिए सबसे पहले क्या है कि जैसे कि हम दो या दो से, जैसे दो दो ग्रुप दो एटम या ग्रुप, या फिर तीन एटम या ग्रुप हमारे अगर सेम होते हैं, तो उसमें हम आसानी से सिस और ट्रांस पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे चारों डिफरेंट होते हैं, चारों ग्रुप, तब तो उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे कि अभी देखिए सी एच थ्री यहाँ पर, यच यच, यहाँ पर दो तरह के एटम या ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको हम इजिली कह सकते हैं कि ये है सिस। अब यहाँ पर सी एच थ्री यहाँ पर यच, इस एच को हटा कर मैं लगा दिया यफ, तो यहाँ पर तीन तरह के एटम हो चुके हैं, या फिर इसे कहें एटम या फिर ग्रुप, तो भी यह है अभी सी एच थ्री, और ये सी एच थ्री ऊपर की साइड, तो इसे भी कह सकते हैं आप सिस। यहाँ पर दो तरह का एटम या ग्रुप था, यहाँ पर तीन तरह के हैं, अब यहाँ पर चारों जब अलग हो जाएगा तब अब आप इसको क्या कहेंगे, ये सिस है कि ट्रांस है, तो इसको सिस एंड ट्रांस से आप नहीं देख सकते। तो इस कमी को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया इजेड नॉमेनक्लेचर। तो इजेड का मतलब क्या है, पहले मैं बता दूं, ई का मतलब
इंट गेगेन, और जड़ का मतलब क्या है? जूसा मैन, इसका मतलब होता है सेम, और इसका मतलब होता है अपोजिट। तो अगर हमारा अपोजिट, यानी कि जब हमारा ट्रांस टाइप का होगा तो उसे अपोजिट होता है ना, CH3, और CH3 ऊपर एक, CH3 नीचे, यानी कि अपोजिट होता है, तो उसमें हम करेंगे ई। और हमारा अगर दोनों सेम साइड होगा, यानी कि जब हमारा कोई एटम ग्रुप हमारा सेम साइड होगा, तो उसमें हम लिखते थे सिस वाले में, जो सिस हमारा होता था सेम साइड में, तो उस जगह पर हम लिखेंगे जेड। ये हो गया हमारा, जैसे कि ये CH3, ये CH3, ये CH3, अगर ये दोनों सेम साइड, अभी CH3 से नहीं, अभी नंबरिंग से होगा, अगर जैसे कि मैं बता रहा हूँ सेम साइड में अगर होगा तो इसके लिए आप लिख सकते हैं जेड, अगर अपोजिट साइड में होगा तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ई। तो ये हमारा था सिस के लिए। मैं इसके लिए अगर ट्रांस के लिए अगर बनाऊँ, तो ये दोनों CH3 अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा ट्रांस। अभी यहाँ पर दो तरह के ग्रुप थे, CH3 और H। अब यहाँ पर CH3 CH3, एक H और एक F, यानी फ्लोरीन। अब यहाँ पर मैं चारों को डिफरेंट कर दूँ, CH3 H F, यहाँ पर Cl कर दूँ, तब अब इसकी नंबरिंग क्या होगी, मतलब इसका ना नेम क्या होगा? ये तो ट्रांस हो जाएगा, ये वाला भी ट्रांस हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे? इन दोनों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हमारे पास ईजेड नॉमेंक्लेचर। ई को कहते हैं इंट गेगेन, अपोजिट जिसे कहते हैं, और जेड मतलब दूसरा मैन, यानी कि सेम साइड में हो। तो अब ईजेड को हम सबसे पहले करेंगे एक सीक्वेंस रूल से, इसकी हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? सीक्वेंस रूल से। सीक्वेंस रूल क्या है, इसको जानिए। पहले जो भी हमारा हायर प्रायोरिटी होगा, हायर प्रायोरिटी का, उसको हम नंबरिंग करेंगे 1। जैसे कि आपका अगर एटॉमिक नंबर से हम शुरू करेंगे, तो एटॉमिक नंबर जिसका हाई होगा उसको हम नंबरिंग देंगे 1। और अगर एटॉमिक नंबर अगर हमारा दोनों ग्रुप का सेम हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है, तो फिर हम जाएंगे उसके एटॉमिक मास पर। जैसे कि अभी यहाँ पर OH लगा हुआ हो, और यहाँ पर OH, जैसे कि उसका आइसोटोप का लगा हो 18 OH 18 वाला, तो उस पर जाएंगे उसके एटॉमिक मास पर। बस इतना ही है, पहले एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर से नहीं होगा तो उसके आगे जाएंगे हम, आगे जाते हुए चले जाएंगे, ठीक है? फिर एटॉमिक नंबर से नहीं हो पाएगा, तो फिर उसके हम एटॉमिक मास पर चले जाएंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको, पहले हम इसको कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। सबसे पहले इस कार्बन को आप पकड़ेंगे, ठीक है? इस कार्बन से लगे हुए ये दोनों जो ग्रुप हैं, इसको आप नंबरिंग करेंगे। जैसे कि इस कार्बन, यहाँ पर पहले जो अटैच है वो कार्बन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? तो कार्बन का। तो इस कार्बन को नंबरिंग करेंगे हम 1, तो और हाइड्रोजन को करेंगे 2। ये 1 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक 2। अब बात करेंगे दूसरे वाले कार्बन की, इस कार्बन की। तो इस क्लोरीन और फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? तो इस क्लोरीन का, इसको हम नंबरिंग करेंगे 1, और इस दूसरे वाले, इसको हो जाएगा 2। अब देखेंगे ये 1 दोनों सेम साइड आ रहा है, तो सेम के लिए हम लिखते हैं जेड। तो ये इसका नामक लेचर हो जाएगा जेड आइसोमर, जेड आइसोमर आप लिख सकते हैं इसे। अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH3 F Cl H। तो सबसे पहले इस कार्बन को हम ले, इस कार्बन से लगे हुए ये दोनों ग्रुप को, तो यहाँ पर लगा हुआ ये कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसको नंबरिंग करेंगे 1, क्योंकि पहले कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसको नंबरिंग हो जाएगी 2 हाइड्रोजन की। और इस फ्लोरीन और क्लोरीन में
तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसका वन, इसका टू। अब ये दोनों वन वन दोनों अपोजिट में आ रहे हैं, तो अपोजिट के लिए यहाँ पर अपोजिट के लिए आपको लिखना है ई, ई आइसोमर हो जाएगी। चलिए करते हैं कुछ और एग्जांपल हम, तो चलिए कर लेते हैं हम कुछ एग्जांपल। मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए हैं, चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा पहला सी डबल बॉन्ड सी, इधर सी एच थ्री, सी एल ओ एच एच, यानी कि चारों ग्रुप डिफरेंट हैं हमारे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले कार्बन को लेना है, फिर इस कार्बन से दोनों को नंबरिंग करनी है, दोनों एटम या ग्रुप जो भी लगे होंगे उससे उसको हमने नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में सबसे पहले नंबरिंग होगी कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो इसलिए कार्बन को नंबरिंग देंगे वन। तो इसके लिए अब उसके बाद देंगे हाइड्रोजन को टू। अब यहाँ पर क्लोरीन और ऑक्सीजन, तो क्लोरीन में और ऑक्सीजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन को देंगे वन और इसको देंगे टू। अब देखेंगे जिसको हम नंबरिंग कर रहे हैं, ये दोनों सेम साइड है, वन वन दोनों सेम साइड आ रहा है, तो दोनों सेम साइड के लिए उधर लिखा हुआ है सेम के लिए जेड, यानी कि ये हो जाएगा हमारा जेड आइसोमर। ये हो गया हमारा पहला। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, ये ओ एच, इधर भी ओ एच, मतलब ये ओ एच, एक ओ एच हमारा नॉर्मल है, ये ओ एच हमारा आइसोटोप है ओ 18, ठीक है, और इधर एच, ये सी एच थ्री। तो इन दोनों में पहले इस कार्बन से इसको नंबरिंग करेंगे, इसको वन, इसको टू, फिर इन दोनों में करेंगे, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मैंने वहाँ पर लिखा है एटॉमिक नंबर सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसके बाद जाएंगे एटॉमिक मास पर, एटॉमिक मास पर गए तो इसका है 18, तो इसको नंबरिंग करेंगे वन, फिर इसको करेंगे टू। अब देखेंगे दोनों वन कहाँ हैं, दोनों वन सेम है, तो सेम के लिए जेड। अब देख सकते हैं उधर मैंने लिखा हुआ है ई जेड अपोजिट एंड सेम के लिए जेड। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा दूसरा, तीसरा देखते हैं। पहले इस कार्बन को करना है नंबरिंग, फिर इस कार्बन की करनी है, उसी तरह मैंने इसमें भी किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो सबसे पहले इस कार्बन से, इस कार्बन पर ये कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, सबसे पहले ये वन, ये वाला टू हो जाएगा, ये वाला वन, ये वाला टू, और यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ से इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, और यहाँ से अटैच है ऑक्सीजन डायरेक्टली, यानी कि पहले कार्बन पर जाएंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है सिक्स, और यहाँ पर आएंगे तो इसका होता है एट, तो यानी कि ये पहले ही एट है, तो इसको हम सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे वन, फिर इसके बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा ये टू। ये हमें नहीं देखना है कि इसके आगे एच है, फिर इसके आगे दो ओ ओ है, इससे अभी हमें नहीं मतलब है, सबसे पहले हमें डायरेक्टली अटैच जो है हमें उसको देखना है। यहाँ पर डायरेक्टली अटैच है ओ और यहाँ पर अटैच है कार्बन, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है कार्बन से, तो इसको नंबरिंग करेंगे वन, अभी दोनों अपोजिट में, तो इसके लिए हो जाएगा ये हमारा ई आइसोमर। और चलिए इस पर चलते हैं, सबसे पहले इस कार्बन को हमें लेना है, इस कार्बन से नंबरिंग करेंगे, इस कार्बन, इस हाइड्रोजन, इसको देंगे नंबर वन, इसको देंगे टू। अब इस कार्बन के पास आते हैं, अब इस कार्बन से चलते हैं इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास, दोनों तरफ कार्बन कार्बन, अभी नंबरिंग नहीं होगी, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, थोड़ा और आगे चलते हैं आयोडीन, तो इधर भी आयोडीन, दोनों अभी भी कैंसिल आउट हो रहा है, कार्बन है तो कार्बन है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, अभी कुछ पता नहीं चला कि ये अभी किसकी नंबरिंग वन करनी है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, तो कार्बन से चले आयोडीन पर, तो इधर भी आया आयोडीन, नीचे भी आयोडीन, ऊपर भी, फिर से दोनों कैंसिल, फिर से आगे चलते हैं, ऊपर मिला Br यानी ब्रोमीन और नीचे Cl क्लोरीन, तो अब ब्रोमीन और क्लोरीन में जिसकी प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको नंबरिंग करेंगे वन। यहाँ पर ब्रोमीन की ज़्यादा है, इसको कर देंगे वन, इसको कर देंगे टू। अब देखेंगे ये वन दोनों अपोजिट साइड, तो इसको नाम नेम देंगे हम ई। ये हो जाएगा इस तरह से। अब करते हैं इसे हम इस कार्बन से इस क्लोरीन और इस क्लोरीन, क्लोरीन का हो जाएगा वन, इसका हो जाएगा टू, इसका हो जाएगा आयोडीन का वन और इसका टू। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए तभी आपको होगा, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है ब्रोमीन से, इसका 53, इसका 35, तो ये हो जाएगा वन, ये टू, ये वन टू, ये वन वन, दोनों अपोजिट साइड आ रहा है, तो ये हो जाएगा ई आइसोमर। ये अपोजिट है तो ई कैसे होगा, वो आगे लिखा है, देख सकते हो। अब ये हमारा लास्ट बचा होगा, इसको हम करते हैं,
यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर आयोडीन, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से ज़्यादा, तो इसको नंबर करेंगे वन, इसको वन कर दिए तो इसको टू लिख देंगे। फिर यहाँ पर ब्रोमीन और क्लोरीन में इसका 17 होता है, इसका 35, तो इसको करेंगे वन, इसको करेंगे टू। अब ये दोनों सेम साइड है तो ये हो जाएगा जेड। इस तरह से हम कर सकते हैं। मैंने अभी कैसे किया है, इस कार्बन को लिया है तो दोनों को इस सेम साइड करते हुए मैं आया हूँ। लेकिन अब आप, आपके मन में कुछ ऐसा भी आ रहा होगा कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या, आप इसको इस तरह से लेकर इन दोनों को पहले ऊपर वाले करें फिर नीचे वाले करें, तब क्या ऐसा सही होगा? चलिए यहाँ से करते हैं उसको हम। अब मैं इस बीच से इस ऊपर वाले को लेकर कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर Cl है, इस Cl अब इन दोनों में देखेंगे, इस Cl और CH3 में, तो Cl का नंबर करेंगे वन, इसका करेंगे टू। अब इन दोनों में करेंगे, फिर यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, तो इसको नंबर करेंगे वन और इसको करेंगे टू। तो यहाँ पर भी वन वन दोनों सेम साइड आ रहा है और ये दोनों वन टू, ये टू टू सेम साइड आ रहा है, यहाँ से भी Z आइसोमर हो गया। उसी तरह से आप इसका करेंगे, ये OH, ये नंबरिंग वन हो जाएगी और इसकी टू हो जाएगी। फिर जब इसका करेंगे आप इधर OH, फिर जब आप इसको करेंगे इसकी नंबरिंग टू, ये दोनों सेम साइड होंगे इधर, तो ये हो जाएगा जेड आइसोमर। लेकिन सही रूल क्या है? सही रूल मतलब इस कार्बन को लेना है, इस कार्बन से इसको नंबर इन दोनों में नंबरिंग करनी है, बाकी इन दोनों में ऐसे नहीं करनी है। क्योंकि क्यों नहीं करनी है वो आप देखिए, इधर दोनों में तो सेम आ गया दोनों तरह से। पहले मैंने इस कार्बन से लेकर पहले ऐसे ऐसे नंबरिंग की, ऐसे ऐसे पहले की जेड आइसोमर आया, फिर मैंने इन दोनों में नंबरिंग वन टू की, फिर भी जेड आइसोमर आ रहा है, तो फिर हम ऐसे नंबरिंग क्यों नहीं कर सकते? क्यों? अब इसको हम करेंगे पता चल जाएगा। चलिए इन दोनों में, इन दोनों कार्बन का सबसे इन दोनों में करते हैं, इन दोनों की नंबरिंग है ब्रोमीन और इसमें, तो ब्रोमीन जाएगा वन, ये जाएगा टू। और आयोडीन और फ्लोरीन में अगर करेंगे तो इसको करेंगे वन और इसको करेंगे टू, आयोडीन और फ्लोरीन में इसको करेंगे वन और टू। अब ये दोनों सेम साइड आ रहा है, तो इस दोनों सेम साइड जब आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। लेकिन ये हो है क्या, ई है, तो ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे करनी है, ये सी है, इस सी से लगा हुआ इन दोनों को नंबरिंग करनी है। ठीक है, बाकी आप इस तरह से ऊपर नीचे की नंबरिंग नहीं करेंगे, नहीं तो आप ई, ई हमारा इस तरह से ई आएगा, उस तरह से करेंगे आपका जेड आ जाएगा, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें पहले इस कार्बन को पकड़ना है, फिर इन दोनों को नंबरिंग करनी है, फिर इसको पकड़ना है, फिर इन दोनों को नंबरिंग करनी है, फिर दोनों सेम सेम आएगा तो जेड, अपोजिट आएगा तो ई। तो बस हो गया हमारा यहाँ तक। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।